गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आई एम श्योर यू ऑल ऑफ फाइन चिल्ड्रेन टूडे वी विल डू वर्क इन नंबर वर्क एक्टिविटी बुक सो प्लीज ओपन पेज नंबर प्लीज ओपन पेज नंबर फिफ्टी एट प्लीज राइट सी डब्ल्यू एंड टूडे डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज अरेंज इन ऑर्डर स्मॉलेस्ट फर्स्ट स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा आज बच्चों हम लोगों को नंबर्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना है कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है जो सबसे छोटा है वो हमें पहले लिखना है उसके बाद बड़ा नंबर और सबसे बड़ा नंबर आखिरी में इसके लिए पहले हम लोग वन से लेके टेन तक नंबर्स को लिखेंगे इसमें सबसे छोटा नंबर वो होता है जो नंबर लाइन में सबसे पहले आता है उसके बाद बड़ा नंबर सबसे बड़ा नंबर जो आखिरी में आता है ठीक है यहां पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं नंबर सिक्स नंबर नाइन नंबर थ्री अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ जो सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है सिक्स नाइन थ्री अब सिक्स नाइन थ्री में सबसे पहला नंबर हमारा आता है थ्री सो वी विल राइट थ्री इन द फर्स्ट ब्लैंक लाइन सबसे पहले हम लोग थ्री लिखेंगे थ्री के बाद कौन सा नंबर आता है सिक्स फिर हम लोग सिक्स लिखेंगे उसके बाद नाइन आता है हम लोग सबसे लास्ट में नाइन लिखेंगे थ्री सबसे छोटा है उसके बाद सिक्स आता है तो हम लोग सिक्स लिखेंगे और नाइन सबसे बड़ा है सो नाइन लास्ट में लिखेंगे वन सेवन फोर सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ वन सो वन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वन के बाद क्या आता है फोर फोर आता है ना सो वी विल राइट योर फोर और सबसे लास्ट में आता है सेवन सो वी विल राइट योर सेवन ठीक है इसमें सबसे पहले वन आता है उसके बाद फोर आता है उसके बाद सेवन आता है ठीक है फाइव एट टू सो फाइव एट टू में सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ नंबर टू सबसे छोटा नंबर टू है ना क्योंकि नंबर टू सबसे पहले आता है सो वी विल राइट नंबर टू इन द फर्स्ट ब्लैंक नंबर टू के बाद कौन सा नंबर आएगा नंबर टू के बाद फाइव आता है सो वी विल राइट योर फाइव और आखिरी में कौन सा नंबर बचा नंबर एट नंबर एट सबसे बड़ा है सो so हम लोग लास्ट में लिखेंगे सेवन वन जीरो टेन सिक्स सेवन टेन और सिक्स में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ यस नंबर सिक्स क्योंकि नंबर सिक्स सबसे पहले आता है सो वी विल राइट हियर नंबर सिक्स नंबर सिक्स के बाद नंबर सेवन आता है सो so हम लोग नंबर सेवन यहाँ पे लिखेंगे और सबसे बड़ा नंबर नंबर टेन है नंबर so लास्ट में लिखेंगे इसके लिए आपको काउंटिंग्स वन से लेकर तक अच्छे से याद होनी चाहिए तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे और बड़े नंबर्स को करने के लिए आपको वन से हंड्रेड काउंटिंग्स अच्छे से याद होनी चाहिए तो आप जो भी क्वेश्चन है आप आराम से जल्दी जल्दी कर पाओगे ठीक है इसलिए आपको अच्छे से वन से लेकर हंड्रेड काउंटिंग्स याद करनी है जब भी आप घर में फ्री हो वन से लेकर हंड्रेड नंबर्स को बार बार बोलते जाइए और उसको याद करिए